बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ईद के पुर मुसर्रत मौके पे क्यों ना आज हम अपने रूठे हुओं को मना लें, उन दोस्तों को जो हमसे नाराज हैं, उन रिश्तेदारों को जिनको हमने कभी कॉल नहीं की, ना उनकी कभी कॉल आई है, और बहुत अच्छा होगा मिले हुए उनसे। क्यों ना जो लोग हमसे नाराज हैं उनसे माफी मांग लें, या जिनसे हम नाराज हैं उनको माफ कर दें और खुद पहल कर लें। ये इंतजार मत करें कि उन्होंने कभी कॉल नहीं की या वो मिलने नहीं आते। छोड़ें इस बातों को, आज हम अपना दिल बड़ा करते हैं, जर्फ बड़ा करते हैं और खुद उनसे राबता कर लेते हैं और माफ कर देते हैं और माफी मांग लेते हैं। क्यों माफ करना और माफी मांगना अल्लाह तबारक व ताला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब है। तो इसी सोच के साथ, इसी नियत के साथ कि ये अमल इतना महबूब है अल्लाह और उसके महबूब को, तो फिर ऐसे करते हैं अपने उन तमाम रिश्तेदारों को, दोस्तों को जिनसे नाराजगियां हैं, माफ करना और माफी मांगने वाला अमल डालकर खुद इब्तिदा कर लेते हैं, पहल कर लेते हैं। फोन पे राबता करें, कॉल कर लें, या मोटर बाइक निकालें, गाड़ी निकालें और टाइम निकाल के उनको मिल लें। और ये आपका जो जेस्चर है, ये पॉजिटिव जेस्चर है, इस आपको ईद को चार चांद लगा देगा। और हाँ, ये वाला जो आज का आपका अमल है, ये आपकी रमजान की नेकियों के साथ ईद के दिन इसको ऐसा आप इब्तिदा करें, और प्रॉमिस करें कि आज आप लाजमी इस पे अमल करेंगे और ना सिर्फ खुद बल्कि अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक नए दिन का, नई जिंदगी की इब्तिदा करें और अपने तरफ से अपना दिल साफ कर लें। अगर फिर भी कोई नहीं मिलेगा तो वो एक अलग टॉपिक है। अच्छी बात को शेयर करना अच्छी बात है, सदका भी है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की ये बात हमें खुशियाँ देगी। मेरी तरफ से आप सब दोस्तों को, बच्चों को ढेर सारी ईद मुबारक।